तस्वीर है कि तमाम जो लोग हैं वो स्टेशन की तरफ रुख कर चुके हैं और तमाम लोगों की भीड़ जो है वो मौजूद स्थिति में प्रशासन से बाहर हो चुका है और इनका जो लोग हैं वो स्टेशन की तरफ जा रहे थे, यानी कि मुरी स्टेशन में जो इन लोग का अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन था वो उन लोग का यहीं पे जो झारखंड मोड़ है इसी के समीप रुक गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से इन लोगों को रोका जा रहा है और तमाम जगह पर रेल रोको आंदोलन जो चल रहा है, ये एक दिलचस्प बात होगी। जिस तरह से यहाँ माहौल गर्मा गर्मी का माहौल दिख रहा है, अब देखने लायक बात होंगे कि यहाँ पे लाठीचार्ज भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन से ये लोग भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की लोग जो हैं वो लगातार इन लोग को पीछे करने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी जिस तरह से माहौल हम देख सकते हैं कि लोग आगे आने का कोशिश कर रहे हैं और इन लोग बिल्कुल ही आगे आने की तैयारी कर लिए हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं, यानी कि देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अभी हो सकता है लाठीचार्ज भी हो सकता है। इन लोग सीधी तौर पर इन लोग स्टेशन की तरफ रुख कर रहे हैं। तमाम प्रशासनिक जो सेवाएं हैं, पुलिस प्रशासन बल है, वो साथ साथ में है और इन लोग को जब रोका जा रहा था लेकिन इन लोग आगे की तरफ रुख कर चुके हैं। आपको बता दें मौजूद हम जो इन लोगों के साथ हैं, इन लोग अभी क्या होगा क्या नहीं, आगे की स्थितियाँ देखने लायक होंगी कि बाकी जो लोग हैं वो तमाम जो लोग हैं वो सीधे तौर पर आगे की तरफ जाने की तैयारियां कर ली हैं। अब जिस तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो मौजूद स्थिति में प्रशासन से बाहर हो चुका है और इन लोग जाने की तैयारी कर लिए हैं और देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं ये दौड़ भागी की जिंदगी जी रहे हैं। दौड़ भाग करते हुए यहाँ पे तमाम लोग हैं, यहाँ पे जिस तरह से लोग दौड़ दौड़ कर स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और दौड़ के सीधे तौर पर वो स्टेशन की तरफ रुख कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा पकड़ो ना, देख सकते हैं किस तरह से स्थिति गंभीर है कि तमाम जो लोग हैं वो स्टेशन की तरफ रुख कर चुके हैं और तमाम लोगों की भीड़ जो है वो पुलिस प्रशासन के साथ साथ तमाम लोग हैं इनके साथ दौड़ रहे हैं और स्टेशन की तरफ जाने की पूरी तैयारियां। इन लोग जो झारखंड मोड़ के समीप रोका गया था उन लोग को आंदोलन सीधे तौर पर स्टेशन की तरफ जाने के लिए बाध्य हो गए हैं और तमाम जो लोग भीड़ को आप एक बार देख सकते हैं, अंदाजा लगाइए कि जो लोग वहां खड़े थे तमाम पुलिस प्रशासन की बल जो पीछे है लेकिन उन लोग आगे चल गया है। अब देखने लायक बात होंगे कि स्टेशन तक घुस पाता है या नहीं और आज का जो आंदोलन है ये अनिश्चितकालीन जो आंदोलन रखा गया था ये सफल होगा कि नहीं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए क्या कुछ होता है आगे, आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। जोहार, नमस्कार। तमाम जो लोग हैं स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और बिल्कुल बढ़ रहे हैं और जितने भी लोग थे वहाँ पे खड़े वो सब आ चुके हैं और आने के बाद यहाँ पे तमाम लोग स्टेशन की तरफ अभी पहुँचने ही वाले हैं। वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर इन लोग को रोका गया था पहले ही और अभी इन लोग सीधे तौर पर स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और प्रशासन की पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी है पीछे पीछे और इन लोग के साथ में है। अब स्टेशन घुस पाते हैं कि नहीं ये देखने लायक बात होंगी। किस तरह से लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही थी लेकिन उन्हें रोका नहीं जा सका और उसके बाद ये लोग सीधे तौर पर स्टेशन की तरफ पहुंच गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कितने लोग हैं पीछे, हम विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। कुर्मी की मांग को लेकर, एसटी की मांग को लेकर ये लोग सीधे तौर पर स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। पीछे बाजा गोजा के साथ पूरी तरह से इन लोग जा रहे हैं। जी हाँ, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए क्या कुछ होता है आगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तमाम जो सुरक्षा कर्मी के घेरे में लोग, यानी पुलिस कर्मी के घेरे में लोग हैं जो कुर्मी रेगुलेशंस, जो कुर्मी आंदोलन करते हैं, वो स्टेशन की तरफ रुख करने के मूड में दिख रहे हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पे तमाम जो प्रशासनिक सेवा हैं वो लगाई गई हैं झारखंड मोड़ के समीप। जी हाँ, और यहाँ पे जिस तरह से लोग चाह रहे हैं कि स्टेशन की तरफ जाएं लेकिन वो उन लोग की जो मानसा है वो सफल नहीं होने के कगार में दिख रही है। जिस तरह से प्रशासनिक सेवा यहाँ पे लगाई गई है, तमाम जो लोग हैं वो आगे की तरफ जाने की प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये चीज़ सफलता की तरफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें जितना भी लोग हैं उससे ज़्यादा पुलिस प्रशासनिक बल दिखाई पड़ रहा है।
अपनी मांगों को लेकर ये पूरी तरह से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। जो स्टेशन पे होना चाहिए था वो सड़कों पे दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, अब आगे इन लोग जा पाता है या नहीं इसको लेकर हम आपको लगातार विजुअल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। पल पल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कुर्मी एसटी सूचीबद्ध करने को मांग को लेकर तमाम जो जगह पे, चाहे तो उड़ीसा हो, बंगाल हो, झारखंड हो, वहाँ पे जिस तरह से कुर्मी रेगुलेशन अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सब देखते हुए जिस तरह से तमाम प्रशासनिक सेवाएं को लगाया गया है और जिस तरह से कुर्मी अपनी मांगों को लेकर अड़ी खैर वो स्टेशन की तरफ रुख कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से सुबह से इन लोग यहाँ पे खड़ा हैं और खड़ा होने के बावजूद भी बारिश भी हो रही है लेकिन छतरी लेकर यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं। और जी हाँ, इन लोग आगे की तरफ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तमाम जो प्रशासनिक बल है उसको नियंत्रण करने की बात कही जा रही है। हाँ, आपको बता दें कि अभी तक जो 6 बजे से इन लोगों ने आह्वान किया था कि स्टेशन में जाकर अपनी मांगों को लेकर स्टेशन में बैठ जाएंगे, वो चीज़ अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि इन लोगों को अभी जहाँ मूरी के झारखंड मोड़ के समीप ही रोका गया है, तमाम जगह पर जिस तरह से बैरिकेटिंग का यूज़ किया गया है, ये देखने लायक बात होंगी कि हालांकि इन लोग स्टेशन तक पहुंच पाता है या नहीं पाता है। अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से ये तमाम जगह पर अड़िक रहते हैं, आंदोलन करते हैं, वो चीज़ हमें देखने लायक बात होंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। तमाम चीज़ों की जानकारी आपको हम लगातार लाइव तस्वीर के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। और अभी हम हैं मूरी और सिल्ली के बीच में झारखंड मोड़ के समीप, यहाँ से आपको ये विजुअल दिखा रहे हैं और प्रशासनिक बल जिस तरह से तैनाती से मुस्तैदी के साथ खड़ी हैं, वो आगे की तरफ जाने के लिए मनाही बरती जा रही है। जी हाँ, कुर्मी समाज के लोग जो एसटी की मांग को लेकर स्टेशन की तरफ रुख करना चाह रहे हैं, वो तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग के माध्यम से रोका जा रहा है। देखने लायक दिलचस्प बात ये होगी कि इन लोग स्टेशन तक पहुँच पाता है या नहीं और आगे के आंदोलन सफलतापूर्वक होता है कि नहीं। जिंदाबाद झारखंड।